देखेंगे जजिया कर को आमतौर पर मुखौटा कर भी कहा जाता है। जजिया कर को आमतौर पर मुखौटा कर भी कहा जाता है। यह गैर मुसलमान से लिया जाता है। जजिया कर जो था वो गैर मुसलमान से लिया, जैसे में हिंदू। लेकिन नोट, ब्राह्मण, स्त्री, निर्धन, पागल, संत, वृद्ध से नहीं लिया जाता था। जजिया कर जो है ब्राह्मण, स्त्री, निर्धन, पागल, संत और वृद्ध से नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मीर कासिम, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर 712 में मीर कासिम सिंध विजय के बाद लिया था। उसके बाद जजिया कर एफएसटी ब्राह्मण से लिया था। एफएसटी दिल्ली सल्तनत में ब्राह्मण से लेने वाला था, ब्राह्मण से लिया नहीं जाता था, लेकिन एफएसटी ब्राह्मण से लिया था। उसके बाद मुगल काल में बाबर भी हुमायूं भी जजिया कर रखता था। मुगल काल में बाबर और हुमायूं भी जजिया कर रखता था। अकबर 1564 में जजिया कर बंद कर दिया। अकबर जजिया कर 1564 में बंद कर दिया। पुनः जजिया कर औरंगजेब 1679 में मारवाड़ क्षेत्र में वसूलने का आदेश दिया था। पुनः जो है जजिया कर औरंगजेब 1679 में मारवाड़ क्षेत्र में वसूलने का आदेश दिया। पूर्ण रूप से जजिया कर को बंद 1720 में मोहम्मद साहब रंगीलाबाद, पूर्ण रूप से जजिया कर बंद है मोहम्मद साहब रंगीलाबाद था 1720 में बंद कर दिया था जजिया कर। यही था जजिया कर। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।